हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपना जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके बारे में बात की थी अपनों ने, कर लिया जो इतनी भी कर्ल्स क्रॉप्स थी उनके बारे में बात कर लिया, लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप्स थी उनके बारे में बात कर लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑल सीड वाली जो वेराइटी थी उनके बारे में भी अपनों ने पढ़ लिया। लास्ट जो है अपने वेजिटेबल में जो यूज होने वाली क्रॉप है, रवि की क्रॉप है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला अपना है पोटैटो, जिसे अपने बोलते हैं आलू। तो आलू का बोटनिकल नेम देखें तो क्या है, सोलेनम ट्यूब्रोसम। एल जो है इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली का ये क्या है, मेंबर माना जाता है। यानी ये सोलेनेसी फैमिली जो है उसका मेंबर माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसमें, 2n = 48। 2n = 48 मतलब ये ऑटो टेट्राप्लोइड वेराइटी होती है, ठीक है। ऑटो टेट्राप्लोइड प्रकार की ये वेराइटी मानी जाती है। ओरिजिन क्या है, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका जो है इसका ओरिजिन माना जाता है। ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, या फिर अपने कई बुक्स में देखने को मिलता है कि मैक्सिको भी लिखा हुआ होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो। इसके बाद क्या है, इसके फ्लावर फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो फ्लावर फॉर्मूले अपने फ्लावर बायोलॉजी करेंगे उस टाइम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो साइन है, यानी प्लस का जहाँ पे साइन आ जाता है, उसका मतलब क्या हो गया, जो फ्लावर है वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। यानी उसकी काट काटेंगे तो क्या है, वो बराबर भागों में कटेगा। यानी इसके पैटर्न, हाँ ये फ्लावर होता पेंटामर है, पेंटामर होते हुए भी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। मतलब इनके लगने का जो सिक्वेंस होता है वो क्या होता है, अपने कह सकते हैं काफ़ी अच्छा माना जाता है। मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों प्रजेंट होते हैं। कैलिक्स 5 होते हैं, क्रोला भी इसमें 5 होते हैं, एंड्रोशियम भी क्या होते हैं इसमें 5 पाए जाते हैं। इसके बाद गाइनोशियम जो होता है वो क्या होता है, बाईकार्पली, यानी कार्प की संख्या क्या होती है, 2 होती है, और ओवरी जो होती है वो स्पीरियस टाइप की मानी जाती है। इसका जो एंड्रोशियम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, क्रोला से जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसके बाद है इसकी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी देखें तो क्या है, लगभग सोलेनेसी फैमिली जो है इसमें 1400 स्पीसीज जो होती है वो लगभग पाई जाती है, ठीक है। किंगडम प्लांटी, फाइलम आर्थोफाइटा, ठीक है, अनार्थोफाइटा, डिवीजन मैगलेनोफाइटा, क्लास मैगलेनोप्सिडा, सब क्लास ओस्टेरिएसी, ठीक है। ऑर्डर सोलेनेज फैमिली सोलेनेसी। जीनस कौन सा है, जीनस अगर आप देखें तो क्या है, सोलेनम। यानी मैंने पहले भी बताया था, कोई भी अपनी क्रॉप की बात कर रहे हैं उसका जो बोटनिकल नेम का पहला अक्षर होता है वो किसका लिखा जाता है, हमेशा ही जीनस का लिखा जाता है, और सेकंड जो होता है उसकी स्पीसीज लिखी जाती है। तो जीनस कौन सा है इसका, सोलेनम। और ट्राइब्स कौन सी है, ट्राइब्स की अगर अपने बात करें तो करते हैं तो ट्राइब्स क्या होती है, जैसे पोएसी फैमिली में अपनों ने कहा था इसकी ट्राइब्स ट्रीटेसी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इसकी जो ट्राइब्स होती है वो कौन सी हो गई, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेट्री भी कह सकते हैं, ये इसकी ट्राइब्स होती है। स्पीसीज कौन सी हो गई, ट्यूब्रोसम। ये हो गया इसका टैक्सोनॉमिकल, अपने कह सकते हैं क्लासिफिकेशन सिक्वेंस से जो करते हैं वो, उसमें क्लास सब क्लास फैमिली मैम जीनस वगैरह सब कुछ अपने लिख सकते हैं। इसके बाद है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये वेजिटेबल में यूज होने वाली क्रॉप मानी जाती है, यानी सब्जियों में क्या है इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें जितने भी अपने कह सकते हैं न्यूट्रिशन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी जो होते हैं तीनों इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी क्या होती है, काफ़ी पाई जाती है। मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब है पोटैटो, जो है लगभग अपने कह सकते हैं वेजिटेबल में यूज होने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फूड, वेजिटेबल फूड क्रॉप जो होती है वो मानी जाती है। इसकी क्या है, लगभग 100 कंट्रीज में क्या है, कल्टिवेशन किया जाता है, यानी इसे खाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका ओरिजिन जो साउथ अमेरिका माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं इसका कल्टीवेशन इंडिया में भी काफ़ी जगह किया जाता है, ठीक है। और 17 अदर जो कंट्री है, यानी साउथ अमेरिका के अलावा या इंडिया के अलावा 17 जो अदर कंट्री है वहाँ पे भी क्या है, इसका कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है। इसके बाद है इसका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन की अपने पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रॉपिकल जो साउथ अमेरिका रीजन जो होता है वहाँ पे क्या है इसका
कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है, और लगभग 17 जो कंट्रीज है उनमें क्या होता है इनका कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है। तो इसके बाद है इसकी बोटनी के बारे में बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। बोटनी की अगर बात करें तो प्लांट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइप का होता है, यानी शॉर्ट हर्ब्स टाइप का क्या होता है इसका प्लांट जो होता है वो पाया जाता है, छोटा प्लांट होता है, ठीक है। ग्रीन स्ट्रक्चर का होता है, यानी इसकी लीफी ग्रीन होगी और इसका जो स्टेम होगा वो भी क्या है, ग्रीन होगा। उस स्टेम पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी बाल के समान क्या है स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो पोटैटो सर्टेन लेटर शूड यूजली फॉर्म द मोस्ट बेसल नोड बिलो सोइल लेवल, और इसका स्टेम जो होता है वो क्या होता है, स्टेम के अंदर की सोइल के अंदर की साइड पाया जाता है, जिसे अपने गांठ कहते हैं। जो पोटैटो होता है वो क्या है, एक प्रकार का स्टेम ही माना जाता है। इसके अलावा इसमें नोड और इंटरनोड जो इसका स्टेम होता है, शूट जो होती है वो क्या होती है, इलोंगेटेटेड होती है। इलोंगेटेटेड मतलब लंबी खड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, और जिसपे नोड और इंटरनोड जो होती है प्रेजेंट होती है। नोड और इंटरनोड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये स्टेम है, जहाँ पे क्या होती है दो सेल्स होती है, उनको अलग करने के लिए जो पार्ट होता है, तो जहाँ पे ये गांठ होती है क्या होगी, इसकी नोड हो गई, और दो नोड के बीच का जो एरिया हो गया वो कौन सा हो गया, इसका इंटरनोड कहलाता है। तो इसका स्टेम जो होता है नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। टमाटर का अगर आलू का अगर अपने देखते हैं कि प्लांट होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी काफ़ी सारी उसमें शाखाएँ जो होती है वो निकली हुई पाई जाती है। इसके अलावा क्या होता है, ये सब एपिकल रीजन जो होता है वहाँ पे क्या होती है, इसकी स्टोन जो होती है वो क्या है, बिखरी हुई पड़ी रहती है। इसके अलावा इसकी ट्यूबर जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, दो प्रोसेस में होती है। पहली जो है वो क्या है, सोल्टन फॉर्मेशन, ठीक है, यानी ऊपर से क्या होती है, जैसे इसकी रूट निकलती है, रूट से क्या है जो गांठ है या फिर ट्यूबर है वो पनपना शुरू कर देती है। और दूसरी जो है वो क्या है, ट्यूबराइजेशन ऑफ सोल्टन टिप्स, यानी सोल्टन के टिप्स पे। एक तो ये है कि इसकी जैसे ये रूट निकल रही है, यहाँ से क्या है इसके जो गांठ है या फिर आलू है वो बनना शुरू कर देती है। दूसरी अगर अपनी बात करें तो इसके टिप पे क्या होती है, ये बनना शुरू कर देती है, ठीक है। ये दो प्रकार की प्रोसेस जो होती है इसमें पाई जाती है गांठ बनने की, ठीक है, सोल्टन के एक तो शुरू से ही, और दूसरा इसके सोल्टन का जो टिप्स होता है उसके टिप्स पे बनना शुरू कर देती है, नोड बनती है। नोड बनने की प्रोसेस होती है जो कि क्या है, बाद में प्रवर्धित होकर एक आलू की फॉर्मेशन कर देती है। इसके अलावा इसका मॉडिफिकेशन देखें तो क्या होता है, एक्सियल एरिया जो होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, और लीफ जो होती है वो क्या होती है, इसकी स्मूथ ऊपर से तो क्या होती है, थोड़ी स्मूथ होती है, नीचे से क्या है, रफ स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। लीफ की लोअर सरफेस जो होती है उस पर क्या होते हैं, जो छिद्र होते हैं यानी स्टोमेटा होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अपर सरफेस पे क्या होती है, इसकी संख्या जो होती है वो कम पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें इसके, तो इनफ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस टाइप का होता है। साइमोस यानी फ्लावर जो होगा वो क्या है, टिप पे बनेगा, फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, टिप पे बनेगा। टिप पे फ्लावर बनने के बाद क्या होगा, उसकी वर्दी जो होती है वो वहीं पे रुक जाती है। इसका जो फ्लावरिंग अगर अपने बात करें कि आलू की फ्लावरिंग की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के बेस पे होता है, यानी ये क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, यानी ज़्यादा टाइम लगता है इनकी फ्लावरिंग के लिए। अगर निश्चित तापमान है तभी क्या है इसमें फ्लावरिंग होगी, नहीं तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ज़्यादातर इसको क्या है, वेजिटेबल प्रोपोगेशन जो होती है वो की जाती है, जिसे अपने बोलते हैं आलू की गांठ, ठीक है, आलू की आँख जो होती है, यानी उससे क्या होता है, उसे कटिंग करके लगा दी जाती है। वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो इसमें रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर यूज होता है। वेजिटेबल शूट जो होती है वो क्या होती है, सिम्पोडियम्स होती है, ठीक है, टर्मिनल पार्ट होता है, उस पर क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आ गया, मतलब प्लांट की जो टिप होगी, टिप पे क्या होगा, फ्लावर बनेगा, उसके बाद उसकी वर्दी होती है वो रुक जाती है, यानी प्लांट की जितनी वर्दी होती है उतनी वर्दी हो जाती है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग की स्टेज जो होती है वो आती है। फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक या फिर हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, चाहे हाइपोगाइनस आ जाए चाहे ओवरी सुपीरियर आ जाए। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी जो होती है वो क्या होती है, सुपीरियर टाइप की होती है, यानी पलक के सारे पार्ट जो होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, और ओवरी होती है वो सबसे ऊपर उठी हुई स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इसीलिए क्या लिखते हैं इसको, हाइपोगाइनस फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होती है और हाइपोगाइनस जो होते हैं इसमें फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है।
कैलिक्स जो होते हैं वो 5 होते हैं और लोप्ड होते हैं। क्रोला ट्यूब जो होती है उसकी संख्या यानी पेटल की संख्या भी कितनी होती है इसमें 5 होते हैं। कैलिक्स और क्रोला 5-5 की संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अपने देखने से पहले देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जो फ्लावर पार्ट होता है वो रेगुलर टाइप में होता है। रेगुलर टाइप में यानी पहले कैलिक्स, उसके बाद क्रोला, क्रोला के बाद एंड्रोशियम और एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यानी सारे पार्ट जो होते हैं वो सीक्वेंस से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। बाइसेक्सुअल होता है यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। यानी मेल पार्ट स्टैमन जो हो गया और पिस्टल क्या हो गया इसका फीमेल पार्ट, या फिर ओवरी जो होगी वो क्या है इसकी फीमेल पार्ट जो होते हैं दोनों इसमें प्रजेंट होते हैं। फ्लावर होता है वो 4 चक्कर में होता है, 4 व्हील्स में होता है, यानी 4 चक्कर में होता है। जैसे पहले किसका आ गया, कैलिक्स का चक्कर आ गया, उसके बाद करोला का, फिर मेल पार्ट का और फिर फीमेल पार्ट का। कोई भी फ्लावर की अपने बात करते हैं, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वो क्या है 4 चक्कर में ही प्रजेंट होगा। तो फ्लावर जो है वो क्या है 4 चक्कर में प्रजेंट होता है। पहला कैलिक्स कंटेंट जो कि क्या है 5 सेपल इसमें पाए जाते हैं जो कि क्या ग्रीन कलर के होते हैं और जुड़े हुए होते हैं आपस में। उसके बाद 5 क्या पाया जाता है इसमें क्रोला पाए जाते हैं जो कि क्या है कलरफुल होते हैं और इनका साइज जो होता है वो क्या होता है सेम ही साइज के पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी अपनी स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है लगभग पर्पल सी शेड लिए हुए होती है, ठीक है। क्रोला की कलर की बात करें तो क्या है पर्पल इस कलर इसमें वाइट पर्पल इस कलर जो होता है वो प्रजेंट होता है। इसके अलावा जो क्रोला जो होते हैं जनरली अपने कहते हैं राउंडेड होते हैं यानी गोल स्ट्रक्चर लेते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पेंटामर स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगी गोल स्ट्रक्चर होगी और एक्टिनोमार्फिक टाइप का होता है। अब मैंने बताया था कल की अगर फ्लावर में 5 स्ट्रक्चर है तो इनके लगने के एक सिक्वेंस में होता है। अगर मान लो ये एक ही रो में लगे हुए हैं यानी कोई भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं है, एक ही चक्कर में ऐसे लगे हुए हैं, तो मतलब वो फ्लावर कौन सा होगा एक्टिनोमार्फिक, ठीक है। अगर मान लो उनके लगने का क्रम जो होगा वो इस टाइप से होगा तो वो फ्लावर कौन सा होगा जाइगोमार्फिक, यानी एक का अंदर की सिरा अंदर की तरफ सिरा और दूसरा बाहर की तरफ, तो वो फ्लावर कौन सा होगा जाइगोमार्फिक। तो ये क्या है एक ही चक्कर में या एक ही वुल्स में लगे हुए होते हैं, इसलिए ये फ्लावर जो कौन सा होता है एक्टिनोमार्फिक टाइप का फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है। पेंटामर स्ट्रक्चर होती है। इनका अगर कलर देखें तो क्या होता है ये वाइट हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, ब्लू रेड या फिर पर्पल कलर, ज़्यादातर अपने को पर्पल कलर जो होता है वो देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली में। इसके बाद है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करें तो वो भी संख्या में क्या होते हैं 5, इसमें क्या है स्टैमन जो होते हैं वो पाए जाते हैं और अल्टरनेट होते हैं किसके पेटल्स के, ठीक है। यानी जो क्रोला होते हैं उसके अल्टरनेट स्ट्रक्चर में लगे हुए पाए जाते हैं। एंथर फिलामेंट जो होता है वो जॉइंट होता है, ठीक है, स्टैमन से, और क्रोला ट्यूब जो होती है उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है। एंथर जो जनरली क्या कहते हैं अपने जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इस टाइप से अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसकी। दूर से अगर अपने देखें तो क्या होगी ऐसी स्ट्रक्चर अपने को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी 5 जो होंगे 3 सामने दिखेंगे और 2 पीछे की साइड जो होते हैं इसके एंथर जो होते हैं अपने को दिखाई देंगे, ठीक है। कलर जो होता है वो क्या होता है लाइट येलो कलर होता है या फिर डीप ऑरेंज कलर भी हो सकता है। डीप ऑरेंज कलर होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर अपने को लाइट और येलो कलर जो होता है इसके एंथर का जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद है इसका गाइनोशियम। गाइनोशियम जिसे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है सिंगल पिस्टल होता है जिसमें क्या है ओव्यूल की संख्या होती है वो 2 होती है और ये 3 पार्ट में बंटा हुआ होता है। नीचे का फुला हुआ पार्ट ओवरी होता है, ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, और ऊपर क्या 2 ही ब्रांचेस स्ट्रक्चर जो अपने को दिखता है वो क्या हो गई इसकी स्टिग्मा होगी। ओवरी की स्ट्रक्चर क्या होती है इस टाइप से होती है, ये क्या है ओवरी, ये स्टाइल और ये क्या है स्टिग्मा, अपने जिसे अपने कह सकते हैं स्टिग्मा स्ट्रक्चर होती है। ओवरी जो होती है वो अगर फ्लावर मैंने पहले बताया था हाइपोगाइनस टाइप का, हाइपोगाइनस फ्लावर है तो ओवरी कौन सी होगी सुपीरियर, सुपीरियर टाइप की क्या होती है ओवरी पाई जाती है जिसमें क्या होते हैं पेटल सेपल और स्टैमन जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जुड़े हुए स्ट्रक्चर जो होती है इसमें पाई जाती है। ओवरी जो होती है वो क्या होती है 2 लोप्ड की हो सकती है जनरली, जिसे अपने बोल सकते हैं बाई कैलरस, या फिर जिनमें क्या है जो कार्प है उनकी संख्या क्या होगी 2 होगी,
ठीक है। और प्लेसेंटल की अगर अपने बात करें तो प्लेसेंटल क्या है, इसमें एक्सियल प्रकार का प्लेसेंटल जो होता है वो पाया जाता है। फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, इस टाइप से अपने को देखने को मिल जाएगी। फ्लावर जो होता है वो देखने में इस टाइप से अपने को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है इसका फ्लावर डायग्राम। फ्लावर डायग्राम, फ्लावर डायग्राम की अगर अपने बात करें तो फ्लावर डायग्राम जैसे उन्होंने बताया था, इसमें कैलिक्स 5 है, करोला 5 है, फ्लावर जो है वो क्या है, एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावर में अपने क्या बनाएंगे, फ्लावर मात्र अक्ष, जहाँ से फ्लावर लगा हुआ है वो हमेशा ही बनाना होता है। इसके बाद कैलिक्स करोला 5-5 है, लेकिन क्या है वो एक ही चक्कर में पाए जाते हैं, तो 5 इसमें कैलिक्स बनाएंगे और 5 ही क्या है इसमें करोला की संख्या बनाएंगे। कैलिक्स भी 5 और करोला की संख्या भी क्या है इसमें 5 पाई जाती है, यानी फ्लावर जो होता है वो क्या है, पेंटामर स्ट्रक्चर का होता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और इनकी संख्या जो होती है इनको बनाते हुए, यानी अपने को एक्टिनोमार्फिक फ्लावर बनाना है, तो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से फ्लावर बनाया जाता है जिससे क्या होगी, वो कोई भी काट काटो वो बराबर भागों में ही कटे। तो दो ऊपर की साइड, दोनों को क्रॉस करते हुए बीच का साइड, और दो क्या होगी इसकी साइड की, और नीचे की तरफ एक बड़ा जो पेटल जो होता है वो इसमें प्रजेंट होता है। इसके बाद इसका कैलिक्स करोला की स्ट्रक्चर बनाते हुए भी क्या होते हैं, जो अपनों ने कैलिक्स बनाया उसके थोड़ा सा उल्टी जो स्ट्रक्चर होती है वो अपने इसमें बनाते हैं, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर जो होती है वो बनती है इसके करोला की, तभी अपना फ्लावर जो होगा वो क्या है, एक्टिनोमार्फिक स्ट्रक्चर जो होगी वो बनेगा। इसके बाद इसका एंथर्स, एंथर का अपनों ने बताया था कि पिस्टल के अपोजिट साइड अपने कह सकते हैं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये क्या होंगे, जुड़े हुए स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। इसकी संख्या भी क्या होती है, एंथर की संख्या भी क्या है, 5 जो होती है वो पाई जाती है। और एंथर जो होंगे वो क्या है, पेटल से हमेशा ही जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। इसके बाद है ओवरी, ओवरी जो होती है वो क्या है, कार्प की संख्या 2 पाई जाती है, तो दोनों क्या है एक्सियल टाइप का है, तो अक्ष पे अपने उसकी ओवरी जो है उसकी कार्प की प्लेसेंटल टाइप एक्सियल है, तो दोनों अक्ष पे क्या है एक एक अपने कार्प बना देंगे, और बीच में क्या है दोनों को जोड़ते हुए जो अपने कह सकते हैं बाइलोब जो ओवरी है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया इसका फ्लावर डाइग्राम। अब फ्लावर फॉर्मूला अगर अपने को देख लिखना है तो फ्लावर कौन से टाइप का है, एक्टिनोमार्फिक, प्लस का निशान मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कैलिक्स जो होंगे वो 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, करोला की संख्या भी क्या है इसमें 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम जो है वो भी क्या है 5 है, और एंड्रोशियम किसके साथ जुड़े हुए हैं, करोला के साथ जुड़ा हुआ है। गाइनोशियम है वो क्या हो रहा है, कार्प की संख्या 2 है, दोनों आपस में प्लेसेंट्रल प्रकार का है तो जुड़ा हुआ है, और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो नीचे की साइन तरफ साइन देंगे, और अगर मान लो ओवरी इन्फीरियर है तो उसका मतलब ऊपर की तरफ साइन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई अपने इसकी आलू की फ्लावर बायोलॉजी, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन अपने कह सकते हैं वो। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में अपने इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, ब्रीडिंग मेथड क्या है, और ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है वो अपने बात करेंगे। थैंक यू।